जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर नेशनल फिजिकल बॉक्सिंग को। दोस्त आज आप लोग को जिस भर्ती प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे, आप लोग के जो क्वेश्चंस हैं स्पोर्ट्स कोटा, साधारण भर्ती, अन्य संबंधी जो क्वेश्चन है, सारी भर्तियों की जानकारी और उस क्वेश्चनों के सही और सटीक जवाब देंगे ताकि सभी लोगों को इसका बेनिफिट हो सके। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठाया जाए, करण बलवा जी का क्वेश्चन है कि नेवी एडमिट कार्ड कब तक आएगा। तो मेरे दोस्त आपको मैं बता दूं, नेवी क्या किसी भी का भी अभी वर्तमान में जो एडमिट कार्ड आने वाली प्रक्रियाएं हैं वो सब अगस्त के बाद ही संभावित हैं, यानी जुलाई अगस्त के आसपास आपकी नेवी की भी एडमिट कार्ड जारी होना शुरू हो जाएगा। तो आप तैयारी में लगे रहिए और आपका जल्द ही इस प्रक्रिया को किया जाएगा। लेकिन अभी कोविड-19 का महामारी पूरे देश में चल रहा है और 30 जून तक किसी भी प्रकार का एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। निशेश मरकम ने पूछा है कब से फॉर्म भरना स्टार्ट होगा। तो दोस्त फॉर्म भरना आपका स्टार्ट हो चुका है और आप अपना समय से फॉर्म भर लीजिए। स्पोर्ट्स कोटे की इन्होंने बात की है, इंडियन रेलवे की, तो इसका फॉर्म भरना स्टार्ट हो चुका है। दोस्त अपना फॉर्म जाके समय से सबमिट कर दीजिए। उसके बाद भवानी शूटर जी का क्वेश्चन था कि सर क्या इसमें शूटिंग का भी वैकेंसी आया हुआ है क्या, जो इंडियन रेलवे है इसके लिए इन्होंने क्वेश्चन किया है कि सर इसमें शूटिंग की भी वैकेंसी आई है क्या। तो दोस्त आपको हम बता दें कि रेलवे में किसी भी प्रकार की शूटिंग की भर्ती नहीं आई है, लेकिन आप तैयारी करिए। अभी बहुत सारी इंडियन आर्मी की भर्तियां रुकी हैं जिसमें शूटिंग की भी भर्तियां होनी है, तो ओपन कैटेगरी की होती है, सारा सर्टिफिकेट आपको लेके जाना होता है वहां भर्ती के लिए, तो आप एकदम तैयारी में लगे रहिए। फिर से एक और क्वेश्चन है नितेश मरकम का कि इन्होंने कहा है कि सर 100 मीटर का मैं एथलीटर हूं, मैं अप्लाई कर सकता हूं। जी दोस्त, इसमें अगर आपके लिए मांगा है एथलीट में क्या क्या मांगा है, सारी प्रक्रियाओं को मैंने दे रखा है, उसके अनुसार अगर आप इसके अंदर आते हैं तो आप अपना आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा जिमिट्रिक अल्टीमेटम जी ने क्वेश्चन किया है फॉर्म कहां से डाउनलोड करेंगे। तो दोस्त जो स्पोर्ट्स कोटे की भर्ती आई है, स्पोर्ट्स कोटे की जो भर्ती आई हुई है उसके लिए आप www.sportic.in से जाके फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। उस पर पूरी इसकी वेबसाइट दी गई है, वेबसाइट के माध्यम से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। इसके अलावा पंकज घोटिया जी का एक और क्वेश्चन है कि लिंक भेजो सर। तो दोस्त आपके लिए भी वही लिंक है, www.sportic.in पे जाके फॉर्म भर सकते हैं, यानी www.sports की पूरी स्पेलिंग लिख दीजिए, उसके आगे ik.in लगा दीजिएगा और फॉर्म आपका वहां से फिलअप हो जाएगा। तो इतने क्वेश्चन थे आप लोगों के, और भी जो भी क्वेश्चन आएंगे वीडियो के माध्यम से भी और नॉर्मल भी, मैं दोनों तरीके से आप लोग को जवाब देता रहूंगा कि ताकि आप लोग अपनी भर्ती प्रक्रिया की तैयारी करें और सफलता को जल्द से जल्द प्राप्त कर अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। तो दोस्त मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।